Hey guys, my name is Sanchit. And I am Sachin. And welcome to Fitness Wale. Guys, आज का हमारा टॉपिक है रोप स्किपिंग. So guys, रोप स्किपिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है और एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है कैलोरीज बर्न करने के लिए. तो गाइज देखते हैं रोप स्किपिंग कैसे करें. तो गाइस रोप स्किपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक रोप की जरूरत होगी एंड आपके जो ये हैंडल्स है वो आप तक आपको हाथ कलाई वहीं रखनी है. अब हम बात करते हैं आपको जब जंप करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि साथ साथ आपके कलाई का मोशन भी साथ साथ होते रहे, जैसे कि देख सकते हैं आप इनका हो रहा है. अब ये हमारी रोप स्किपिंग है. अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, लोग जब जंप करते समय बहुत हैवी जंप ले लेते हैं जिससे वो जल्दी थक जाते हैं एंड उनके घुटने की इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड बहुत कम जंप ले लेते हैं जिससे कि रोप अटकती है, जैसे कि इनके अटक गए. तो आपको बस ध्यान रखना है कि आप जंप एकदम नॉर्मल रहे जिससे आपकी रोप आराम से आर पार हो पाए. अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पैर को डिस्टेंस की, अब देख सकते हैं कि पैर को डिस्टेंस ज़्यादा क्लोज नहीं है एंड ज़्यादा वाइड भी नहीं है. ज़्यादा आप दूर रखेंगे तो आपकी रोप अटक जाएगी, जैसे कि इनके अटक चुकी है जैसे निकल नहीं पाएगी. तो आपको गैप एकदम नॉर्मल रखना है या कम रखना है शोल्डर की विड्थ से. अब हम बात करते हैं कि हाथों की पोजीशन. तो वैसे देख सकते हैं कि जो इनके जो एल्बो है वो इनके स्टिक है, यहाँ तक इनके बाजार बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो आपके शोल्डर इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी रोप भी आर पार नहीं हो पाएगी जैसे कि इनकी नहीं हुई. तो अगर ध्यान रखना कि आपके एल्बो मूवमेंट नहीं हो, आपके सिर्फ कलाई के मूवमेंट्स हो. और हम बात करते हैं सांसों की, जैसे कि आप हर एक्सरसाइज में करते हैं आपको नाक से सांस लेना है एंड मुंह से सांस छोड़ना है. तो गाइस ये हमारी रोप स्किपिंग. एंड अगर आप बिगनर्स है जिससे सिंगल जंप पे नहीं हो पा रहा, तो गाइस जैसे कि अभी ये करके दिखाएंगे आपको डबल जंप लेके भी अभी एक्सरसाइज कर परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि ये कर रहे हैं, जिससे आप इजीली डे बाय डे बढ़ा के आप सिंगल जंप पे भी कुछ सीख सकते हैं. तो ये है गाइस रोप स्किपिंग.